दोस्तों नमस्कार, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल मोर क्रिएटिव एवं बेल आइकन पर क्लिक करें। आइए जानें 2018 से बदले गए नियम। जुलाई 2018 चालू होने जा रहा है। सरकार जुलाई 2018 से कुछ नियम चेंज कर रही है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रभाव डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो नियम, ताकि हम जान लें और उससे अपडेट रहें। शुरू करते हैं ये नियम के बारे में चर्चा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। 1 जुलाई 2018 से बदल जाएंगे 10 नियम जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हैं। रेलवे, मोबाइल, बैंक, ड्राइविंग, स्कूल, पैन कार्ड, इन सब नियमों के तहत जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, यही सब हैं। इन्हीं से कुछ अपडेट है, तो देखते हैं क्या है अपडेट, क्या है नियम जो हमारे ऊपर प्रभाव डालेंगे। 1 जुलाई 2018 से कई नियम बदलने वाले हैं। इनमें से अधिकांश नियम आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हैं, जो सीधा सीधा आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो नियम जो बदलने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है इन्हें जानना, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। पहला, रेलवे ने लोगों की यात्रा को और ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2018 से अब वेटिंग टिकट नहीं दिया जाएगा, अब लोगों को कंफर्म टिकट या RAC ही दिया जाएगा। यानी लोगों को वेटिंग लिस्ट देखने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। पहले वेटिंग टिकट दिया जाता था, उसमें सीट कंफर्म होगी या नहीं होगी इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं रहा जाता था, लेकिन अब कंफर्म टिकट या फिर RAC ही दिया जाएगा। अच्छा नियम है ये। दूसरा नियम भी रेलवे से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि अब तत्काल टिकट को कैंसिल कराने पर 50% रिफंड मिलेगा। इससे पहले तत्काल टिकट कैंसिल कराने की सुविधा नहीं थी। यदि आप तत्काल टिकट लेते हो और तत्काल टिकट कैंसिल होती है तो आपको 50% राशि वापस दी जाएगी, ठीक है। इसके पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ये भी बहुत अच्छा नियम है जो हमारे काम आएगा, हमारे फायदे का नियम है। यानी ये दोनों नियम हमारे फायदे के हैं। अगला देखते हैं, सिम खरीदने में नहीं लगेगा आधार नंबर। 1 जुलाई 2018 से अब मोबाइल सिम खरीदने के लिए आधार नंबर देना ज़रूरी नहीं होगा। UIDAI ने एक वर्चुअल ID का प्लान तैयार किया है जो आधार नंबर की जगह इस्तेमाल होगा। यह नियम 1 जुलाई 2018 से लागू होगा। ये भी ठीक है, मोबाइल नंबर या मोबाइल सिम खरीदने के लिए हमको आधार की ज़रूरत पड़ती थी, अब सरकार ने दूसरा इसकी जगह UIDAI वर्चुअल ID का प्लान तैयार किया है। देखते हैं वो कैसी है ID, उसको देखेंगे, परखेंगे, उसको यूज़ करेंगे, ताकि समझ में आएगा। आगे, अब 13 अंकों का होगा मोबाइल नंबर। खबरों के अनुसार यदि आप 1 जुलाई के बाद मोबाइल नंबर खरीदते हैं तो यह 10 अंकों के बजाय 13 अंकों का होगा। सरकार ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके पहले 10 अंकों के मोबाइल नंबर थे, और यदि आप 1 जुलाई के बाद मोबाइल यदि खरीदते हैं तो आपको 13 अंकों का मोबाइल नंबर मिलेगा। अगला देखते हैं, चालू खाता में कम ब्याज मिलेगा। यदि आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, जैसे सैलरी हो गया, तो ये चालू खाता कहलाया जाता है, उसमें आपको 50% कम कर दिया गया है। देखते हैं, 1 जुलाई 2018 से चालू खाता में जमा रकम पर अब 3.5% सालाना की दर से इंटरेस्ट मिलेगा। पहले यह इंटरेस्ट 4% की दर से मिलती थी, मतलब यह घाटे का सौदा है। अगला देखते हैं, 1 जुलाई या इसके बाद कोई भी व्यक्ति यदि भारी वाहन या यात्री वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस पाना चाहेगा तो उसे फॉर्म 5A में ड्राइविंग सर्टिफिकेट लगाना होगा। यह ड्राइविंग सर्टिफिकेट किसी ड्राइविंग संस्थान से 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा। पहले
जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते थे RTO ऑफिस, तो वहाँ पे फॉर्म भर दो, कुछ पैसा दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता था। पहले लर्निंग बनता था, उसके बाद में 6 महीने के बाद में ड्राइविंग आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, प्रशिक्षण सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल पाएगा, चाहे वो भारी वाहन का हो या 2-व्हीलर का हो। ये भी अच्छा है। अगला देखते हैं, 1 जुलाई से रद्द हो जाएंगे पैन कार्ड। खबर है कि जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनके पास किसी वजह से 1 से अधिक पैन कार्ड हैं, वो रद्द हो जाएंगे। इसलिए 1 जुलाई से पहले ही आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें। सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेट 30 जून रखी थी। 30 जून समाप्त हो चुका है। यदि आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लिया है तो बहुत अच्छी बात होगी। अब ये नहीं हो सकता, अब आपके पास यदि पैन कार्ड पड़े हैं तो रद्द हो जाएंगे। अगला, गरीब परिवारों के बनेंगे पीले राशन कार्ड। हरियाणा सरकार 1 जुलाई 2018 से गरीब या BPL परिवारों को पीले राशन कार्ड बनाने का फैसला किया है। राज्य में मौजूद ऐसे परिवारों को 1 लाख BPL कार्ड बांटे जाएंगे। ये भी अच्छी बात है, गरीबों के हित में हरियाणा सरकार कुछ काम कर रही है, बिल्कुल सही बात है। वैसे तो देश की सरकार गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही है, उसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी कर रही है और आगे भी करना चाहिए। अगला देखते हैं, प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती। मध्य प्रदेश सरकार ने के नए नियमों के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा में केवल 10% नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। यह नियम 2018-2019 के लिए है, यानी प्राइवेट स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा में 10% से ज़्यादा नए छात्रों का एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके पहले अक्सर ये होता था कि 10th और 12th में प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा विद्यार्थी भर लिए जाते थे, क्योंकि वहाँ पे फीस देनी पड़ती थी, इससे प्राइवेट स्कूलों को फ़ायदा होता था। लेकिन सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं, 10% ही 10वीं और 12वीं में विद्यार्थी लिए जाएंगे, ताकि जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको भी 10th और 12th में आने के लिए अच्छा होगा, 9th और 11th को। और इस सरकार की का कदम है, बहुत अच्छा कदम है, और सख्त कदम करने चाहिए प्राइवेट स्कूलों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनमानी फीस ले रही है प्राइवेट स्कूलों की संस्थाएं। सरकार और सख्त कदम तेज करे तो बहुत अच्छा होगा। अगला देखते हैं, खबर है कि 1 जुलाई 2018 से मारुति की सभी कारें महंगी हो जाएंगी। ऐसे में अभी आपके पास कुछ वक्त बचा है, कार खरीदना हो तो जुलाई से पहले ही खरीद लें। जुलाई के बाद आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। यदि आप कार खरीदने के लायक हैं या आपकी इतनी पूंजी है या आप इसके लिए एलिजिबल हों तो आप खरीद सकते हैं, आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन 1 जुलाई से पहले। अब 1 जुलाई हो चुका है तो आप ये कारों की कीमत महंगी हो गई है, तो कृपया अगले समय का इंतज़ार करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर खबर आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार के आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।